आई सपोज हमारे दौर में तो सिर्फ कप्तान पे डिपेंड करता था व्हाट सॉर्ट ऑफ विकेट ही वांट्स. आई डोंट रिमेम्बर एनी चेयरमैन टेलिंग अस और आस्किंग अस टू टू कि विकेट ऐसी होनी चाहिए. ये जो दो टेस्ट जो मैंने तो देखने की कोशिश की थी पहला कोई 3 मिनट बट आई कुंट. आई थिंक एज एज एक्स 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 क्रिकेटर एक्स फास्ट बॉलर पहले 2 गेंदों के बाद मुझे पता लग गया था कि इल बी अ ड्रॉ. एंड अब पाकिस्तान पे प्रेशर है वो भी 500 पे 7 है मेरा ख्याल है और उनके अभी डिक्लेयर भी नहीं किया अभी शायद सुबह आके कर दें. बट यू सी हमने भी वेस्ट इंडीज जब आती थी इवन इमरान भाई जब कप्तान थे स्लो विकेटें बनवाई हैं. हमने एक तरीका होता है स्लो विकेट बनाने का. अगर आपने स्लो बनानी है टेक्निकलिटी के लिहाज से आप पिच का सेंटर कम रोल करते हो और जो आपकी जो आपकी जो आगे की फ्रंट फुट की है वहाँ पे आप थोड़ा सा ड्राई छोड़ते हो ताकि बॉल पहले दिन से. अगर आपने स्लो बनानी है तो टर्नर तो बना दो ना कम अज़ कम ताकि रिजल्ट ओरिएंटेड हो. आई होप दे लर्न फ्रॉम इट हूएवर इज प्रिपेयरिंग दिस विकेट्स. इट इज़ क्वाइट बोरिंग टू बी ऑनेस्ट. तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वक्त की ज़रूरत है और डू यू थिंक के हुकूमत को भी इस हवाले से जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए. और आखिरी बात कि निकाह का तो ऐलान कर दिया लेकिन दुल्हन सामने नहीं आ सकी मतलब वेन्यू है कहाँ पर होगा ये. थैंक यू. आई थिंक उन्होंने मेंशन किया है कि मोइन खान स्टेडियम में होगा ये. मोइन खान के स्टेडियम में ब्यूटीफुल वेन्यू सिक्योर वेन्यू लॉट ऑफ पार्किंग और ये अरीना की तरह का बना रहे हैं. सो यस एमएमए लाइक अब दुनिया की ये तेज तरीन स्पोर्ट है तो आई थिंक हेल्दी नेशन उसको कहते हैं जिसमें स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो. और ये आई थिंक क्रिकेट के अलावा ऑल स्पोर्ट्स भी होनी चाहिए. लड़कों इस मुल्क में टैलेंट तो है हर फील्ड में टैलेंट है नॉट जस्ट इन क्रिकेट नॉट जस्ट इन एमएमए. टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी टॉक अबाउट बीइंग अ डॉक्टर वी आर वेरी वेरी टैलेंटेड. सो आइडिया है कि जिनको इन जिनका जिक्र किया कि हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं मोस्टली दीज फाइटर्स तो उनको ताकि प्लेटफॉर्म मिल सके. और दे आर उन्होंने बताया भी हमारे फाइटर ने कि दे हैव लर्न अ लॉट यू नो लर्निंग फ्रॉम दीज टू ट्रेनर्स प्लस फाइटर्स. ये हमारे लेफ्ट पे जो बैठी हैं ये भी रिटायर नहीं हुई इनकी फाइट अगले महीने सो ज़रा बच के रहना इससे. बट या इट्स अ बड़ा नेक शगुन है कि नई स्पोर्ट आ रही है और तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रही है. और हमने बताया बिलाल ने बताया कि हम साल में कम से कम 3 इस तरह के इवेंट्स किया करेंगे और कोशिश हमारी ये होगी क्वेटा पिशावर सेकंड टीयर सिटीज में जाएं जहां के टैलेंट और हंगर बहुत ज्यादा है स्पोर्ट्स की हंगर आई मीन.